नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। लाखों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही 7,788 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है। दोनों तरह के मामले कल की तुलना में थोड़े ज्यादा हैं। शंघाई में 2.6 करोड़ की आबादी दो चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है। यहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चीनी प्रशासन को यहां पर सेना भेजनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में पीएलए ने कुल 2,000 मेडिकल पर्सन की तैनाती की है। अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी तैनात किए गए हैं। ये लोग घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं, साथ ही लोगों को घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। निवासियों से कहा गया है कि वे रोजाना कोविड-19 की जांच करें, घर में मास्क लगाएं और एहतियाती उपाय करें और परिवार के सदस्यों के नजदीक जाने से बचें। शंघाई में कई लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं कि वे सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य सून चुनलेन ने आग्रह किया है कि शंघाई में जल्द से जल्द कोविड के मामलों पर काबू करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।